साधु मरते नहीं है, ये हमारी संस्कृति भी है, हमारी सभ्यता भी है। आदमी मरता है तो स्वर्गीय लिखा जाता है, लेकिन नहीं लिखते आप कि स्वर्गीय महाबुद्ध, स्वर्गीय महावीर, स्वर्गीय राम, स्वर्गीय कृष्ण, हम लोग नहीं लिखते हैं। किसी साधु के पहले स्वर्गीय नहीं लगता है, आदमी के नाम के पहले लगता है, अंग्रेजी में लेट लगता है, लेकिन साधु के नाम के पहले स्वर्गीय नहीं लगता। और सलीम चिश्ती साहब ने खुद कहा लवली को, साधु मरते नहीं है। हमारी आती दीदी भी मरी नहीं है, वो जिंदा। शरीर का क्या है, आज या कल ना हो तो जिंदा है। सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होगी जो उन्होंने करना चाहा था। सही में अगर श्रद्धांजलि आप देना, हम देना चाहते हैं, तो उन्होंने जो करना चाहा था, जिसके लिए वो करते करते चली गई दुनिया से, और जाते जाते भी कर गई। सुना आपने, सुमेंद्र जी बोल रहे थे, वही हमको आपको करना चाहिए। सुमेंद्र जी एक बात बोल रहे थे कि वो गले में ट्यूमर निकला था, मैं बैठाऊंगा था, शुद्ध नहीं बोल रहे थे। उसके गर्दन में, उस बच्चे के गर्दन में, 12 साल का बच्चा था, दो गर्दन था, मैं दो मूड़ी था उसको गर्दन से निकला हुआ, दो सिर निकला हुआ। मैं तो इन चीजों में रहता नहीं, मुझको कार्यालय जाना था। मैंने कहा चलिए बाहर ले। मुझको देख के उस बच्चे को डर लग गया, ये तो मर जाएगा, दो सिर है इसके पास, एकदम इस सिर के बराबर इतना बड़ा सिर था, तो मर जाएगा। हमने चले बात चले ले बात, लेकिन मुझको सचिवालय जाना था, ऑफिस जाना था, मैं गाड़ी में बैठा और चला गया। वो आदमी गया नहीं, हमारे जाने के बाद वो नीलम के पास फिर बैठा। तो उनकी आदत थी कि सुनती थी, मेरी ऐसी क्यों आदत है वो भी मैं बता दे रहा हूं। उन्होंने कुछ कहा और 6 महीने के बाद वो आदमी फिर आया, मैं भी बता उस समय सचिवालय से लौट गया। तो नीलम ने पूछा कि आपका बच्चा कैसा है, क्योंकि बॉम्बे और कलकत्ता और दिल्ली से लौट चुका। उसने कहा क्या बगल में है। हमने देखा उस बच्चे को तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, कुछ था ही नहीं, एकदम नॉर्मल, ऐसे जैसे हम लोगों का वैसा था वो। उसका बाप लेके आया था, ये 84 की घटना है, 1984 की, आज 2016 है ना, कितने साल बीत गए, 22 साल बीत गए। उस बच्चे को देख के मैं डर गया था, मुझको डर लग गया था, जबकि मैं लाशों से खेलता रहा हूँ, नौकरी में भी मैं देख रहा हूँ, लाशों से पाला पड़ा है, मैं डर गया था कि तो मर जाएगा ये। और आज 22 साल बीत गए, उस आदमी को मैंने फिर कभी नहीं देखा, उसके बाप को फिर कभी नहीं देखा। और इसीलिए मेरी आदत नहीं है कि आप कष्ट में है तो मैं उसको सुनूं, मैं नहीं पसंद करता, क्योंकि हम आपको एहसान भूल जाते हैं, हम आपको दूसरों के दुखिया के द्वारा किया गया भला भूल जाते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता। लेकिन दीदी उल्टी थी, दूसरों की बीमारियां खुद लेती थी, और वो जब ठीक हो जाता तो फिर वो कहां जाता था, कोई ठिकाना नहीं है। रांची में एक आदमी है, वो बच्चे की लाश लेके आया था हम लोगों के पास, रांची में रहता, लाश लेके आया, लगभग बच्चा मरा हुआ था। उन्होंने कुछ कहा और बच्चा चला गया, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है। उस घटना के आज 30 साल से ज्यादा गुजर गए, वो आदमी फिर नहीं मिला मुझसे। 10 दिन पहले रांची पर ये इस डेरे में कटहल मोड़ में वो आया था, पहचान गया मैं। हमने कहा कि भाई साहब आ गए आप, तो जी हम तो सत्रह के महोत्सव में भी गए। आदमी ऐसा होता, आप ऐसा मत बनिएगा। जो एहसान परामोश होता है वो महादेव का चेहरा नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता। हमको आपको
आपको चाहिए कि कोई एक गिलास पानी पिलाए तो उसको याद रखे हम आप। हमको आपको ऐसा नहीं बनना है, दूसरे का एहसान भूलना नहीं है। दूसरे ने जो आपके लिए हमारे लिए किया है उसको भूलते वो लोग हैं जो इंसान नहीं होते। और मेरा मानना है कि शिव इसको पसंद नहीं करते। सुना आपने जो कह ही रहे थे कि वो तो विष पीता है, अमृत दूसरों के लिए छोड़ देता। तो दीदी को सही सुचा चाहिए तो यही होगी कि जो उन्होंने करना चाहा था, करना चाहती हैं वो हम सब मनोयोग से, मन से करें उसको और दुनिया में शिव शिष्यता का परचम आगे बढ़ाएं, लहराएं। मैं बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता, मेरे साथ दिक्कत है, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, इसलिए माफी चाहूंगा और आप सबों को प्रणाम करता हूं। आप सबों को मेरा प्रणाम। I'm not afraid of the dark.